जिस तरीके से जो मेहनत करना चाहिए हम लोगों को दसवीं के हिसाब से, वही हम लोग को बारहवीं में रिपीट करना है। तो मैं जब भी जो बता रहा था कि जैसे आप शोएब आफ्ताब जो रिजल्ट लेकर आए हैं, उनकी अपनी मेहनत है। हम लोग क्या करते हैं, आज कॉलेज नहीं करते हैं, सिर्फ क्लासेस करते हैं। क्लासेस करने के बाद बच्चे जो रिव्यू होना चाहिए, जो रिविजन होना चाहिए, जो सेल्फ स्टडी होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट आता है नहीं आ रहा ना, ये शायद वजह यही है। अगर मेहनत उस तरीके से होगी ना तो वो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आके रहेगा। वो देखिए जो एक फॉर्मेट है पढ़ाई लिखाई का, हम लोगों में बहुत सोचता है कि भाई जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, बहुत से लोगों में आदतें नहीं हैं। आमतौर से यहाँ की पढ़ाई करो, यहाँ कैसा हुआ कि दिन कोई और मसरूफियत है, शाम में पढ़ाई हो रही है, रात में पढ़ाई हो रही है और देर रात में पढ़ाई हो रही है। जबकि किसी सिस्टम और किसी मेथड में देर रात की पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है। नींद को मार कर, नींद को ख़त्म करके पढ़ाई करने का कोई लाभ मिलने वाला, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सुबह में जल्दी उठकर आप पढ़ाई करिए, एक शेड्यूल बनाइए। अगर वाकई में कोई, हम लोग रिजल्ट देखते हैं, किसी बच्चे का रिजल्ट 12th के अंदर 80% रिजल्ट आया है, लेकिन वो यहाँ जो है तो नीट में ना वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्योंकि उन्होंने उस तरह की पढ़ाई नहीं की हुई है। उनको शायद रहा होगा कि मुझे 80% रिजल्ट आया हुआ है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। नीट 11th 12th की पढ़ाई एक अलग है और नीट कोई अलग पढ़ाई नहीं है। नीट जो है समझ लो आपकी जो 11th 12th आपने पढ़ाई की ना, उसी के सिलेबस उसी में से आता है। हम तो आप लोग सोचते हैं भाई नीट की क्लास करना है, 11th 12th की क्लास करना है, दरअसल दोनों एक ही है। आपका बुनियादी जो है, जो बेस है ना, वो 11th और 12th है। अगर 11th 12th में आप मजबूत हो तो उस हिसाब से अगर आप स्टडी करते हो ना तो आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अब हो रही है बात कि जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, देखिए होता क्या मालूम है, अब आपको अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो पहले आप सोचिए कि भाई आपका बच्चे का टैलेंट क्या है। 10वीं का रिजल्ट आप एनालाइज करिए, फिर 12वीं का रिजल्ट एनालाइज करिए। अब 100 नंबर भी किसी का आता है उसको भी MBBS करना है। 100 नंबर वाला MBBS करके रिपीट करके क्या करेंगे, चलिए बताइए। अभी 100 नंबर वाला रिपीट करता है ना, सेकेंड अटैम्प्ट में आएगा उसका 300 आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। उसके बाद एक अटैम्प्ट और करेगा 400 आएगा, फिर एक अटैम्प्ट और करेगा तो 500 आएगा। दिन ब दिन साल ब साल जो है मेरिट बढ़ती जा रही है, तो इसलिए वो उसके टैलेंट के अतबार से, उसके जो नॉलेज के अतबार से, उसके रिजल्ट के अतबार से माँ बाप को फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये बच्चा अपना 100, 150, 200, 300 जो भी लाया है किस लाइन में, कौन सी में जाने वाला है, MBBS में जाने वाला है, BDS में जाने वाला है, BAMS, BUMS या BHMS में जाने वाला है। वक्त ख़राब करके ट्यूशन वगैरह में काफ़ी पैसा खर्च कर करके इसका कोई हासिल होता नहीं है। फिर लास्ट में होते हैं कि पेरेंट परेशान हो जाते हैं, फिर डोनेशन वगैरह देखिए नहीं, वो लोग एडमिशन कर लिया करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में कैसा हो गया है कि भाई आज 500 ऊपर लाने वाले भी आज के पेरेंट लोग शायद मुतमइन नहीं है कि उनका रिजल्ट MBBS में लगे या नहीं लगे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग इस किस्म के स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। मैंने उनको बोला है भाई ठीक है 500+ आपका रिजल्ट आया हुआ है, आपकी कैटेगरी है, देखते हैं जिस किसी से एडमिशन किस ओर जाने वाला है। अभी ऑल इंडिया रैंक जो आया हुआ है पिछले साल के मुकाबले में इस बार तो काफ़ी ऊँचा गया है। पिछली बार तो 500 वाले का जो ऑल इंडिया रैंक था वो लगभग 40,000 के आसपास था। इस बार तो 550 रिजल्ट वाले का ऑल इंडिया रैंक लगभग 50,000 के ऊपर गया हुआ है। तो ये है ऑल इंडिया रैंक। लेकिन जब स्टेट मेरिट लिस्ट जब बनेगी वहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तब मालूम पड़ेगा कि हम लोग का रिजल्ट या हम लोग का एडमिशन किस ओर जाने वाला है। तो ये रही बात इस साल एडमिशन की। लेकिन अब उन लोगों के लिए मेरी खास दरख्वास्त है जो इस साल 12वीं में अपीयर हैं बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, पूरी तवज्जो पूरा ध्यान अपनी सिर्फ पढ़ाई पर रखिए। आप लोग देखिए आपके टैलेंट बहुत है लेकिन उसका इस्तेमाल जो है ना सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अगर आप अपने मन मुताबिक ना करते हुए सिर्फ एक सिस्टम जो फॉलो होता है, मंसूबाबंदी जिसको बोली जाती है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे इतना पढ़ाई करना है, फिर मुझे दोपहर में लंच करके मुझे इतनी पढ़ाई करने की, शाम में मुझे इतनी पढ़ाई करने की, रात में मुझे इतनी पढ़ाई करने की है, एक मंसूबाबंदी होना चाहिए। अगर आपका 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका है, कोई रिपीट कर रहा है, तो रिपीटर को कम से कम दिन भर में 16 घंटे पढ़ाई करना है। इससे कम में समझौते में कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर 16 घंटे पढ़ाई करिए, अब रिजल्ट देखिए आपको मैं समझता हूँ इतनी पढ़ाई करने के बाद भी शायद मैं समझता हूँ कि शायद क्लासेस की ज़रूरत भी न पड़े, लेकिन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, आपके आपके टीचर से आप उसे क्लियर कर सकते हो ना। आपका रोज़ का काम, चाहे वो कॉलेज हो गए, क्लासेस हो गए, ये दोनों काम आप अपने जो सेल्फ स्टडी आप करोगे अपने घर पर, इसको आप रिव्यू करो और सारे जो डाउट्स होते हैं वो आप लिखो, अंडरलाइन करो और वेरी नेक्स्ट डे दूसरे दिन जो है आप अपने टीचर से उस डाउट्स को क्लियर कर लो।
उसको दूसरे दिन जाने मत दो, बिकॉज आप एक दिन का डाउट अगर आप छोड़ते हो तो वो दूसरे दिन का भी आ जाएगा आपके पास, तीसरे दिन का भी आ जाएगा, ये फिर आपका ये मल्टीपल हो जाएगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा आपके एग्जाम्स में। इसलिए रोज़मर्रा का भले से आप एक कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन इट शुड बी क्लियर और 100% के भाई नहीं मैं इसमें एकदम मुकम्मल हो चुका हूँ ताकि इसमें कोई डाउट्स मेरे पास नहीं है। इस किस्म से आप स्टडी का एक फॉर्मेट बनाइए एंड देन सी द रिजल्ट। हमारे अपने शहर में ठीक है, आज हमारे पास इंस्टीट्यूट की कमी है, हमारे पास कोचिंग क्लासेस के यहाँ इतने शहर में कमी है, जिस परेशानियाँ बहुत सारी हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम एजुकेशन लेवल पे अपने शहर भिवंडी के बारे में कुछ सोचें, टैलेंट लावे यहाँ पे। यहाँ के बच्चे जो है बहुत लोग नासा में भी गए हैं, बच्चे यहाँ के बहुत से बच्चे IAS CRB भी लोग बच्चे यहाँ से के लोग गए हुए हैं, वो अपने बलबूते पे गए हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए मौका मिला, जहाँ बन पड़ा जिस शहर में जिस कॉलेज में जहाँ बन पड़ा वहाँ वो लोग गए। तो मेरी निवेदन है यहाँ के जो MPs लोग हैं, MLAs लोग हैं, जो भी कंसल डिपार्टमेंट, जो भी कंसल बॉडी है पॉलिटिकल, उनको कि भाई यहाँ पे भिवंडी में एजुकेशन के चलते थोड़ा सा ध्यान दें और जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है वो वहाँ पे कायम करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट तो तैयार है सारे काम करने के लिए, कि भाई अभी आवाम है यहाँ की, और प्लस यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अगर थोड़ी मेहनत करें तो सारी चीज़ मुहैया हो सकती है। इसलिए इस चैनल के कि जो मौका मिल रहा है आपको पढ़ाई लिखाई का, उसको पूरा 100% फ़ायदा उठाइए, और एजुकेशन ही आगे चल के काम आएगी। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसका बदल नहीं है कोई, एजुकेशन वो चीज़ है जो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन आपके एजुकेशन में किसी की हिस्सेदारी नहीं हो सकती है, वो आपकी अपनी है। इस पीरियड में एक आदमी एजुकेशन के बगैर अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता, एजुकेशन रहेगी तो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।